अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। दोस्तों, आपदाएं किसी के पास पूछकर नहीं आती, जब भी आती हैं अचानक आती हैं। हम उनसे मिलकर लड़ते हैं। आपदाओं से अपने साहस, सकारात्मक सोच और एक दूसरे का सहयोग से हरा देते हैं। हमारे भारत में भी पिछले कुछ सप्ताह से कोरोना का कहर भी बरसना शुरू हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो अभी यह और नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या हमें घबराना चाहिए? नहीं दोस्तों, यही समय है जब हमें मिलकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टरों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ठीक से करें। ना आप बाहर जाइए, ना किसी को बाहर से घर में आने दीजिए। सकारात्मक रहिए, योग एवं व्यायाम करिए। खान पान का ख्याल रखें, क्योंकि बीमारी उन्हीं पर अधिक अटैक करती है जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। अपना आत्मबल मजबूत रखिए। भारत ने मिलकर इससे बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना किया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा की है। वे जानते हैं कि यह बीमारी एक दूसरे से फैलती है। इसे रोकने के लिए अपने कदम रोकने होंगे, वरना स्थिति भयावह हो सकती है। उनकी इस घोषणा का सम्मान करते हुए हमें 22 मार्च को अपने घरों में ही रहना है। इस विपदा के समय में देश की प्रतिष्ठा एवं एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। चिकित्सक एवं अन्य प्रशासन के लोग जो हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए। सकारात्मक भाव से जैसे अन्य आपदाओं से मुकाबला करते आए हैं, ठीक उसी तरह इस आपदा का भी सामना करना है। किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। सावधानी बरतें और एक दूसरे का सहयोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।